बन गया वसूली पोस्ट। अफसर कर्मचारी करते हैं पैसों की बंदरबांट। जी हाँ, गोपालगंज में धड़ल्ले से लूट का धंधा चल रहा है। जलालपुर चेक पोस्ट पर हर साल करीब 100 करोड़ का घपला होता है, लेकिन कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। परिवहन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने चेक पोस्ट को वसूली पोस्ट बना डाला है। तरह तरह के हथकंडे अपनाकर सरकार को करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है। हम आपको काली कमाई का हर वो जरिया समझाएंगे जो यहाँ के अफसरों को दुबई का शेख बना रहा है। इस कड़ी में सबसे पहले बात करते हैं चेक पोस्ट से गुजरने वाली यात्री बसों की। महज यात्री बसों से ही सरकार को एक साल में करीब 73 करोड़ के राजस्व का चूना लगाया जाता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, एक साल में 73 करोड़ सिर्फ इस चेक पोस्ट पर। पूरे बिहार में ऐसे 5 चेक पोस्ट हैं। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए एक साल में घोटाले की राशि कितनी है। अब आप जरा 73 करोड़ के इस पूरे खेल को समझ लीजिए। दरअसल यात्री बसों के लिए नियम है कि किसी भी राज्य में दाखिल होने के लिए रोड परमिट होना चाहिए। परमिट नहीं होने पर उन्हें 10,000 का जुर्माना भरना होगा। इसके अलावा रोड टैक्स के रूप में 3-4 हजार देना होता है। और नियम ये है कि परमिट प्रस्तुत करने पर ही संबंधी राज्य का टैक्स लिया जाता है। लेकिन इस चेक पोस्ट से गुजरने वाली 99% बसों को पास रोड परमिट नहीं होता है। ऐसी बसों में से 50% बसें यहाँ नजराना देकर निकल जाती हैं, जैसे कोई कान में बोल दिया हो कि बिहार में आना है तो माल देकर जाना है। अब यहाँ खेल ये चल रहा है कि वैसी बसें जो बिना परमिट के आ रही हैं, उसे टैक्स के रूप में 3-4 हजार ले लिया जा रहा है, जिसका रसीद भी इशू हो रहा है, लेकिन इन गाड़ियों का परमिट फाइन नहीं लिया जा रहा है। इस तरह से एक बस से 3-4 हजार का टैक्स तो ले रहे हैं, लेकिन 10,000 का फाइन छोड़ दे रहे हैं। जाहिर है मुफ्त में तो छोड़ नहीं रहे होंगे, 50-50 का फॉर्मूला लगा दिया जाता है। मतलब 10,000 का आधा चेक पोस्ट के अधिकारी रखते हैं और आधा वाहन मालिक को छोड़ दिया जाता है। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, मैं उसी कहावत को इन भ्रष्टाचारियों के तरीके से बयां कर देती हूँ। अपना माल बनता भाड़ में जाए जनता। अफसर साहब को माल मिल गया और वाहन मालिक को भी फायदा हो गया, लेकिन सरकार को चूना लगा दिया गया। ये खेल धड़ल्ले से दिन रात जारी है। खुल्लम खुल्ला हर रोज लाखों करोड़ों के राजस्व का चूना लगाया जा रहा है। ऐसे बसों से 10-10 हजार रुपए का फाइन वसूलना होता है, मतलब हर दिन 20 लाख का फाइन। एक दिन में 20 लाख का मतलब यानी कि साल में 73 करोड़। ये तो महज 200 बसों का ही औसतन आंकड़ा है। कोरोना काल के बाद करीब एक साल तक एक एक दिन में 500-500 बसें गोपालगंज चेक पोस्ट से लगातार गुजरती रही हैं। ऐसे में आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि इस चेक पोस्ट के अधिकारी और कर्मचारी किस कदर काली कमाई कर रहे हैं। लेकिन जब इस चेक पोस्ट पर तैनात अफसर या फिर कर्मचारियों से पूछा जाएगा तो वो कहेंगे कि सभी यात्री बस रोड परमिट लेकर आते हैं। जाहिर है माल खाया है तो सफेद झूठ बोलेंगे ही, जैसे अवधेश तिवारी के बारे में सफेद झूठ बोल रहे हैं। सभी के सभी एक स्वर में बोल रहे हैं कि अवधेश तिवारी को नहीं पहचानते। तो देशवा न्यूज का ये दावा है कि कोरोना काल के बाद अभी तक जितनी भी कमर्शियल गाड़ी, चाहे यात्री बस हो या फिर ट्रक, जिस किसी का भी टैक्स इस चेक पोस्ट पर लिया गया है, उनका रसीद निकाल कर देख लिया जाए कि उस पर परमिट नंबर का डिटेल मौजूद है या नहीं। इससे ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि इस चेक पोस्ट पर सभी काम कंप्यूटर से हो रहा है। देशवा न्यूज गोपालगंज चेक पोस्ट से जुड़े हर अफसरों को चुनौती देता है कि इसकी जांच करा लें और सच्चाई जनता के सामने लाएं। ऐसा नहीं है कि इतने बड़े घोटाले की भनक जिला के सबसे बड़े अधिकारी और राज्य परिवहन विभाग के सबसे बड़े अफसर को नहीं है, फिर भी वो बहरे, गूंगे और अंधे बने बैठे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे गांधी जी के 3 बंदर। दरअसल इस राशि का हिस्सा नीचे से लेकर ऊपर तक बांटा जाता है, तभी तो लूट का ये धंधा सालों साल से चला आ रहा है। लूट का ये काला खेल महज इतने पर ही खत्म नहीं होता है। पैसों की उगाही के लिए यहाँ कई तरह का काला जादू भी किया जाता है। देशवा की टीम बारी बारी से हर एक काला जादू का खुलासा करेगी और लूट के इस धंधे से जुड़े हर वीडियो आप तक पहुँचाएगी।
आप बस बने रहिए देसवा न्यूज के साथ। आगे गोपालगंज परिवहन विभाग के हर गोरख धंधे का पर्दाफाश होने वाला है, तो आप लगातार बने रहिए देसवा न्यूज के साथ। सिर्फ खबर दिखाना देसवा न्यूज का मकसद नहीं, देसवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देसवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।